CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इन शब्दों पर आधारित है, उबालना, भूनना और सेकना। आलेख यूसुफ पापा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। नमस्ते बच्चों, भोजन लाओ हमें खिलाओ, हम हैं खाने वाले। भोजन लाओ हमें खिलाओ, हम हैं खाने वाले। लाख हटाओ बिन खाए, हम नहीं जाने वाले। बच्चों, पूड़ियों का नाम सुनकर मुंह में पानी आ रहा होगा, क्यों बताओ? अरे हाँ हाँ, मन चाहता है ना खाने में पूड़ियों के साथ और किस चीज का नाम आता है? हलवे का। पूड़ी और हलवा बड़े मजे से खाया जाता है। अगर हलवा ना हो तो पूड़ी किससे खाते हैं? सब्जी से। क्या हलवा भी तला जाता है? हलवा पकाया जाता है। आलू, बैंगन, टमाटर, लौकी की सब्जी पकाई जाती है। कौन कौन सी चीजें तली जाती है बता सकते हो? हाँ हाँ, कौन सी चीजें तली जाती है? पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ये सब चीजें तली जाती हैं। ये समझ लो कि पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ये सब तले जाते हैं। सब्जी, खीर, हलवा पकाए जाते हैं। अब मैं जो पूछूं वो सब बताओ, बस तलने और पकाने की बात होगी। बताओ, समोसा तला जाता है कि पकाया जाता है? हाँ हाँ, समोसा तला जाता है कि पकाया जाता है? तला जाता है। और खीर पकाई जाती है। और हलवा? हाँ, हलवा पकाया जाता है। और कचौड़ी? हाँ, तली जाती है। पकौड़ी? हाँ, पकौड़ी तली जाती है। और सब्जी? हाँ हाँ, सब्जी अरे बस पकाई जाती है। देखो बच्चों, इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा,
मैं पूछूंगा, जल्दी जल्दी पूछूंगा, तुम्हें जल्दी जल्दी बताना होगा, पकाने और तलने की बात होगी। बताओ, हलवा पकाया जाता है, सब्जी पकाई जाती है, कचौड़ी तली जाती है, खीर पकाई जाती है और समोसे तले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ, बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ, हमें खिलाओ हमें खिलाओ। बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ, बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ। चावल दाल उबालो लाकर, चावल दाल उबालो लाकर, लाओ सब्जी तनिक पकाकर, लाओ सब्जी तनिक पकाकर। थाली में फिर इन्हें सजाकर, थाली में फिर इन्हें सजाकर, बस ऐसे ही हमें खिलाओ, बस ऐसे ही हमें खिलाओ। बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ, बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ। दाल बाटी, दाल बाटी, क्या मजेदार खाना है, इसके पीछे बालक दीवाना है। अच्छा बच्चों बताओ, बाटी किस चीज की बनती है? बाटी किस चीज की बनती है? आटे की। आटे को गूंथकर बाटी बनाते हैं, फिर उसे आग में सेंकते हैं। क्या करते हैं? आग में सेंकते हैं। बाटी सेंकी जा रही है। कैसा आनंद आ रहा है। दाल पतीली में उबल रही है। कैसा आनंद आ रहा है। जब दाल बाटी तैयार हो जाएगी तो हम सब क्या करेंगे? खाएंगे। अच्छा, दाल बाटी खाएंगे, दाल बाटी खाएंगे जी, दाल बाटी खाएंगे। अरे बच्चों तुम भी तो बोलो मेरे साथ। दाल बाटी खाएंगे जी, दाल बाटी खाएंगे। दाल उबालो बाटी से को, दाल उबालो बाटी से को, भुट्टा आगे भून के फेंको, भुट्टा आगे भून के फेंको। हम खाएं तुम बैठ के देखो, हम खाएं तुम बैठ के देखो, बस बस ऐसे हमें खिलाओ, बस बस ऐसे हमें खिलाओ। बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ, बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ, हमें खिलाओ हमें खिलाओ। बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ, बूढ़ी अम्मा खीर पकाओ। जैसे दाल उबालते हैं उसी तरह चावल भी उबालते हैं। उबलने का मतलब ये है कि चावल को धोकर पतीली में डाल दिया और पतीली में पानी भी डाला, पतीली को आग पर रख दिया, पानी उबलेगा, चावल उबलकर तैयार हो जाएंगे। हाँ, दूध भी उबाला जाता है। अब बताओ, चावल उबाला जाता है या सेंका जाता है? हाँ बताओ बताओ, चावल उबाला जाता है या सेंका जाता है? उबाला जाता है, ठीक। दाल उबाली जाती है, दूध उबाला जाता है, और भाई पराठा, हाँ हाँ पराठा सेंका जाता है, और रोटी, हाँ रोटी सेंकी जाती है।
बाटी सेकी जाती है, परांठे को तवे पर सेकते हैं, घी लगाते हैं, रोटी को भी तवे पर सेकते हैं, फिर घी लगाते हैं। अगर भुट्टा खाना हो तो क्या उसको पकाओगे? नहीं 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 नहीं, भूनोगे। भुट्टा कोयले की आग पर भूना जाता है और चना भाड़ में भूना जाता है। गेहूं और बाजरे की बालें भी भूनी जाती है। अच्छा अब बताओ, चना क्या किया जाता है? भूना जाएगा, उबाला जाएगा, सेका जाएगा या फिर वो तला जाएगा? बताओ बताओ। हाँ, भूना जाएगा। और पूरी तली जाएगी ना? और चावल? हाँ हाँ, चावल भाई वो तो उबाला जाएगा। पराठा 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 सेका जाएगा, पराठा सेका जाएगा। बाटी 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 सेकी जाएगी, के बाटी सेकी जाएगी। दाल 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 उबाली जाएगी, के दाल उबाली जाएगी। भुट्टा 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 भुना जाएगा, के भुट्टा भुना जाएगा। बाले 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 भुनी जाएंगी, बाले भुनी जाएंगी। पराठा सेका जाएगा, बाटी सेकी जाएगी, दाल उबाली जाएगी, भुट्टा भुना जाएगा, बाले भुनी जाएंगी। अब एक कहानी सुनो। एक दिन तवा कड़ाही और पतीली का आपस में झगड़ा हो गया। तवा बोला, मेरे बिना ना रोटी सेकी जा सकती है ना पराठा सेका जा सकता है, इसलिए मैं तुम सबसे जरूरी चीज हूँ। और तवे की बात सुनकर कड़ाही अकड़कर बोली, आए हाय, जाओ जाओ, मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं ना हूँ तो पूरी कचौड़ी किस में तलोगे हैं? और समोसे भी तो मुझी में तले जाते हैं। हाँ। अब भाई कड़ाही की बात सुनकर पतीली से नहीं रहा गया। वो गुस्से से बोली, अरे ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें न बनाओ, मुझे देखो और मेरी सुनो। सबसे ज्यादा काम की चीज तो मैं ही हूँ। मेरे बिना ना दाल उबाली जा सकती है, ना चावल उबाले जा सकते हैं, और ना दूध ही उबाला जा सकता है। अब बच्चों, पास में ही चूल्हा रखा था और उन सब की बातें सुन रहा था। वो झट से बोला, अरे सब चुप रहो, हाँ झगड़ा नहीं करो, मेरी सुनो। अरे भाई, तवा कड़ाही और पतीली तीनों की ही समय समय पर जरूरत पड़ती है। भाई रोटी सेको चाहे पराठा, तवे पर ही सेका जाएगा। और वो कड़ाही में तो पूरी कचौड़ी समोसे तले जाते हैं। अरे पर भाई, रोज रोज ये सब चीजें नहीं खाई जाती। हाँ, कभी कभी खाई जाती हैं, इसीलिए ऐसे मौके पर कड़ाही बहुत काम आती है। और भाई कोई भी चीज उबालो, पतीली में ही उबालनी पड़ेगी। दाल उबालो चाहे चावल, पतीली में ही उबाले जाते हैं।
इसीलिए सब समय समय पर काम आते हैं। अब मुझे ही देखो, मैं यानी चूल्हा न हो तो तुम सब बेकार हो जाओगे, हो जाओगे ना। अब इसीलिए आपस में झगड़ा नहीं करो, प्यार से रहो। हाँ, अब चूल्हे की बात सुनकर सब खुश हो गए और लड़ना झगड़ना बंद करके प्यार से रहने लगे। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।